Hello students, today we are going to discuss a very important topic, World Bank. Okay, in the last class I told you about IMF, and as we all know ki Bretton Woods mein jo conference hui thi, us conference se do institutions hame mile the. One is the IMF, International Monetary Fund, and the second one is the World Bank. So World Bank is the international financial institution. Ye ek international financial institution hai जो कि हमें इट प्रोवाइड्स करता है, सोर्स प्रोवाइड करता है फॉर द फाइनेंशियल एंड टेक्निकल असिस्टेंस टू द डेवलपिंग कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड. वर्ल्ड की जितनी भी डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनको इट एक्ट्स एज अ सोर्स ऑफ फाइनेंशियल एंड टेक्निकल असिस्टेंस, यानी फाइनेंशियल और टेक्निकल असिस्टेंस जो है वर्ल्ड बैंक प्रोवाइड करता है. ठीक है, वर्ल्ड बैंक की एट प्रेजेंट 189 कंट्रीज जो हैं वो मेंबर्स हैं. ओके, एंड बेसिकली वर्ल्ड बैंक का जो मेन एम होता है वो होता है लॉन्ग रन के लिए फंड को प्रोवाइड करना. और किसको फंड प्रोवाइड करता है? बेसिकली टू द मिडिल एंड द लो डेवलपिंग कंट्रीज, राइट? सो अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक्स आर्टिकल ऑफ अग्रीमेंट, ऑल ऑफ इट्स डिसीजंस मस्ट बी गाइडेड बाय कमिटमेंट टू प्रमोट फॉरेन इन्वेस्टमेंट. तो इसके जो आर्टिकल्स ऑफ अग्रीमेंट हुए थे उसके अकॉर्डिंग क्या एम है, क्या कमिटमेंट है वर्ल्ड बैंक का? वर्ल्ड बैंक का कमिटमेंट ये है टू प्रमोट दी फॉरेन इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करना, इंटरनेशनल ट्रेड को बढ़ावा देना और कैपिटल इन्वेस्टमेंट को फैसिलिटेट करना. ओके, वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर जो है वॉशिंगटन डीसी में है एंड इट वॉज एस्टेब्लिश इन 1944. वर्ल्ड बैंक को 5 मेजर एजेंसीज जो है असिस्ट करती हैं और इनको हम कलेक्टिवली कहते हैं द वर्ल्ड बैंक ग्रुप. वो 5 एजेंसीज कौन कौन सी हैं? फर्स्ट वन इज आईबीआरडी, दैट इज इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट. दूसरी है आईडीए, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन. द थर्ड वन इज इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन. फोर्थ इज मीगा, मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी. एंड द फिफ्थ वन इज आईसीएसआईडी, इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स. तो ये 5 एजेंसी जो हैं ये वर्ल्ड बैंक को हेल्प करती हैं, मदद करती हैं वर्क करने में. नेक्स्ट, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ वर्ल्ड बैंक? वर्ल्ड बैंक के फंक्शंस क्या क्या हैं? पहला फंक्शन है टू असिस्ट इन द रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ टेरिटरीज ऑफ इट्स मेंबर्स बाय फैसिलिटेटिंग द इन्वेस्टमेंट ऑफ कैपिटल फॉर प्रोडक्टिव पर्पस. यानी वर्ल्ड बैंक जिसको भी मदद करता है वो मदद क्यों करता है, उसका मदद करने का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, यानी जिन जो भी कंट्रीज की इकोनॉमीज जो हैं डेवलप नहीं हो पा रही हैं उनको रिकंस्ट्रक्ट करने में, उनको डेवलप करने में उनको कैपिटल प्रोवाइड करता है. एंड उस कैपिटल को प्रोवाइड क्यों किया जाता है? ताकि जो इकोनॉमीज, जिन कंट्रीज की इकोनॉमीज डिवास्टेटेड हो गई हैं वॉर की वजह से, वो रीस्टोर हो सके, वहाँ पर जो है डेवलपमेंट हो सके, पीसफुल वे में डेवलपमेंट हो सके. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कि कंट्रीज को इनकरेज करना कि वो प्रोडक्टिव फैसिलिटी इसकी तरफ ध्यान दें, और जहाँ पे भी जो भी इकोनॉमीज में, जिन कंट्रीज की इकोनॉमीज में जो है रिसोर्सेस कम हैं उनको रिसोर्सेस फैसिलिटेट करना ताकि उन इकोनॉमीज में डेवलपमेंट हो सके. नेक्स्ट इज टू प्रमोट फॉरेन इन्वेस्टमेंट. फॉरेन इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करना, फॉरेन इन्वेस्टमेंट को कैसे प्रमोट करता है? जहाँ पे गारंटी की प्रॉब्लम आती है तो वर्ल्ड बैंक इटसेल्फ एक्ट एज ए गारंटर, और जहाँ पे प्राइवेट इन्वेस्टमेंट अवेलेबल नहीं हो पाता है तो वहाँ पे वर्ल्ड बैंक जो है आउट ऑफ इट्स ओन फंड से या तो फंड प्रोवाइड करता है या फिर बोरो करता है, राइट? इट गारंटीज और थ्रू पार्टिसिपेशन इन लोन्स एंड अदर इन्वेस्टमेंट मेड बाय प्राइवेट इन्वेस्टर्स. एंड सेकेंड इज वेयर प्राइवेट कैपिटल इज नॉट अवेलेबल टू मेक लोन्स फॉर प्रोडक्टिव पर्पसेज आउट ऑफ इट्स ओन रिसोर्सेज, अपने ओन रिसोर्सेज से या तो लोन प्रोवाइड करता है या फिर फंड्स को बोरो करके लोन प्रोवाइड करता है, और इस तरह से वो फॉरेन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देता है. नेक्स्ट इज टू प्रमोट द लॉन्ग रेंज बैलेंस ग्रोथ. देखिए, हम लोग ने आईएमएफ में पढ़ा था कि आईएमएफ जो है शॉर्ट टर्म बैलेंस ग्रोथ की बात करता है, शॉर्ट टर्म बैलेंस ऑफ पेमेंट में जो अगर डिसइक्विलिब्रियम हो जाता है तो उसको आईएमएफ जो है सही करने में मदद करता है, उसको सेटल आउट करने में मदद करता है. बट वर्ल्ड बैंक जो है लॉन्ग रेंज बैलेंस ग्रोथ की बात करता है. लॉन्ग टर्म में अगर जो है डिसइक्विलिब्रियम हो रहा है बैलेंस ऑफ पेमेंट में तो उसको सही करने में वर्ल्ड बैंक जो है हेल्प आउट करता है. हाउ डज इट हेल्प आउट?
तो टू टू प्रमोट द लॉन्ग रेंज बैलेंस ग्रोथ ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड एंड द मेंटेनेंस ऑफ इक्विलिब्रियम इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट बाय इनकरेजिंग इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट, इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट को इनकरेज करके, देयर बाय असिस्टिंग इन रेजिंग द प्रोडक्टिविटी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड कंडीशन ऑफ लेबर इन द टेरिटरीज ऑफ द मेंबर कंट्रीज। कैसे मदद करता है? इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट के थ्रू मदद करता है, और इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट की मदद से क्या होता है, प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा, और जो लेबर क्लास है उनकी भी कंडीशन जो है, मेंबर कंट्रीज के जो लेबर क्लास हैं उनकी भी कंडीशन जो है बेटर ऑफ हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट इज टू इनकरेज लोन्स मेड और गारंटीड सो दैट मोर यूजफुल एंड अर्जेंट प्रोजेक्ट्स लार्ज एंड स्मॉल अलाइक विल बी डेल्ट विद फर्स्ट। और ये अपने मेंबर कंट्रीज को इनकरेज करता है कि वो लोन्स लें। लोन क्यों लें? ताकि वो जो है अर्जेंट प्रोजेक्ट्स, अगर उनके यहाँ कोई भी प्रोजेक्ट है रुका हुआ है लोन की फंडिंग की वजह से, तो वो लोन लेके उस प्रोजेक्ट को स्टार्ट कर सकते हैं और इस तरह से अपनी इकोनॉमी को बेटर करने में हेल्प आउट कर सकते हैं। एंड द लास्ट इज टू कंडक्ट इट ऑपरेशन सो दैट सो एज टू ब्रिंग आउट अ स्मूथ ट्रांजिशन फ्रॉम अ वॉर टाइम इकोनॉमी टू अ पीस टाइम इकोनॉमी। और वर्ल्ड बैंक ऑल्सो हेल्प इन ब्रिंगिंग जो इकोनॉमीज में, जिन कंट्री की इकोनॉमीज में वॉर की वजह से जो डिवास्टेशन हो गए हैं उनको स्मूथ करने की कोशिश करता है, उनको स्मूथ लाइन करने की कोशिश करता है कि वो वॉर टाइम इकोनॉमी से कन्वर्ट होके वो पीस टाइम इकोनॉमी की तरफ आ जाए। ओके, नेक्स्ट इज व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक का इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्या है? सी, द वर्ल्ड बैंक हैज सेट टू गोल्स फॉर द वर्ल्ड टू अचीव बाय 2030। 2030 तक वर्ल्ड बैंक ने एक ऑब्जेक्टिव सेट किया है। ऑब्जेक्टिव क्या है? एंड द एक्सट्रीम पॉवर्टी, जो पॉवर्टी हमारे पूरे वर्ल्ड में जो पॉवर्टी का जो लेवल है उसको खत्म करना। और कैसे भी इसको खत्म करना चाहती है, बाई डिक्रीजिंग द परसेंटेज ऑफ पीपल लिविंग ऑन लेस देन $1.90 अ डे टू नो मोर देन 3%। यानी जितने लोग $1.90 से कम में रह रहे हैं उसको खत्म करना, उसको कम करना, और कम करके कितना करना, नॉट मोर देन 3%, यानी टोटल वर्ल्ड में 3% से अधिक लोग पुअर नहीं होने चाहिए। ये वर्ल्ड बैंक को ऑब्जेक्टिव है बाय 2030। एंड व्हाट इज द नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव? द नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव इज प्रमोट शेयर्ड प्रोस्पेरिटी बाय फॉस्टरिंग द इनकम ग्रोथ ऑफ द बॉटम 40 फॉर एवरी कंट्री। हर कंट्री में जो बॉटम में जितने लोग 40% जो बॉटम लाइन में जो लोग रहते हैं उनकी इनकम में ग्रोथ लाना, ये भी वर्ल्ड बैंक का बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। तो आपने देखा दो इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड बैंक के यहाँ सामने दिख रहे हैं, एक तो पॉवर्टी को कम करना है और इतना कम कर देना है कि 3% से अधिक लोग पुअर ना रहे पूरे वर्ल्ड में। एंड सेकेंड इज कि प्रोस्पेरिटी को बढ़ाना है। प्रोस्पेरिटी कैसे होगी? जब इनकम बढ़ेगी। और किसकी इनकम को बढ़ाना है? बॉटम में जो 40% लोग रह रहे हैं हर कंट्री में उनकी इनकम को बढ़ाना है। दीज आर द टू मेन इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ द वर्ल्ड बैंक। नेक्स्ट इज द वर्ल्ड बैंक ग्रुप। जैसा कि स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि द वर्ल्ड बैंक कंसिस्ट ऑफ फाइव एजेंसीज विच हेल्प द वर्ल्ड बैंक, एंड द फाइव एजेंसीज डिटेल्स आर हियर एज फॉलो। द फर्स्ट वन इज द इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। नाउ व्हाट इज द इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट? जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था तो जितनी इकोनॉमीज जो है डिस्ट्रॉय हो गई थी, कंट्रीज जितनी कंट्रीज की इकोनॉमीज डिस्ट्रॉय हो गई थी, उनको फिर से सेटल आउट करने के लिए, उनको फिर से सही सिचुएशन में लाने के लिए ये एक कदम उठाया गया था कि उनको रिकंस्ट्रक्ट करना है, उनको डेवलप करना है। इसके लिए IBRD का जो है इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, ठीक है। और इसकी जो मेंबर कंट्रीज थी वो 189 मेंबर कंट्रीज थी। तो हुआ ये था कि जैसे ही जैसे वो सिचुएशन कवर अप होने लगी थी, जैसे जैसे वॉर की वजह से जो डिवास्टेशन हुए थे वो जैसे जैसे कम होने लगे थे, तो IBRD का भी ऑब्जेक्टिव कहीं ना कहीं धीरे धीरे रोल उसका कम होने लगा था। तो IBRD को लाइमलाइट में रखने के लिए जो है क्या किया गया कि इसको वर्ल्ड बैंक से एसोसिएट कर दिया गया, ठीक है। इसीलिए हम लोग IBRD को जो है वर्ल्ड बैंक भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसलिए कहते हैं क्योंकि वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद IBRD का बहुत ज्यादा रोल नहीं दिख रहा था। That is why it was associated with the World Bank. तो IBRD क्या कर दी? It supports the World Bank Group mission by providing loan, guarantee, risk management products and advisory services to the middle income and credit worthy low income countries. जो middle income countries हैं और low income countries हैं उनको IBRD जो है loan provide करती है, guarantee provide करती है, risk management करती है उनका, and advisory services भी provide करती है, okay? नेक्स्ट इज IDA, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है डेवलपमेंट का पर्पस है,
और इसको हम सॉफ्ट लोन विंडो भी कहते हैं। आईडीए इज ऑल्सो नोन एज सॉफ्ट लोन विंडो। इसको क्यों सॉफ्ट लोन विंडो कहा जाता है? इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये बहुत ही मिनिमम अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट या फिर नो इंटरेस्ट पे ही लोन प्रोवाइड करती है। और किसको प्रोवाइड करती है लोन? टू द पुअरेस्ट कंट्रीज, जो बहुत ही पुअर कंट्रीज हैं उनको ये लोन प्रोवाइड करती है। और जो लोन रीपेमेंट का जो टर्म होता है उसका होता है 30 to 38 ईयर, यानी लगभग समझ लीजिए 40 साल किसी भी कंट्री को मिलता है लोन को रीपे करने का। ओके और आईडीए का मेन वर्क क्या होता है? इट कवर्स प्राइमरी एजुकेशन, बेसिक हेल्थ सर्विसेज, क्लीन वाटर, सैनिटेशन, एग्रीकल्चर, बिजनेस क्लाइमेट इंप्रूवमेंट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स। तो दीज आर द मेन वर्क ऑफ इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट द इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन। अब इसके नाम से भी समझ में आ रहा है कि फाइनेंस प्रोवाइड करती है, ठीक है। लेकिन ये जो फाइनेंस प्रोवाइड करती है ये इंटरेस्ट चार्ज करती है। इट इज ऑल्सो मेंबर ऑफ द वर्ल्ड बैंक ग्रुप एंड इट इज अ सिस्टर सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड बैंक ऑल्सो, बट इट चार्जेस अ इंटरेस्ट एंड द इंटरेस्ट दैट इट चार्ज इज बिट हायर देन वॉट इज बीन चार्ज बाय द अदर विंडोज, यानी बाकी के जो विंडोज जैसे कि आईबीआरडी है या फिर आईडीए, ये जो इंटरेस्ट चार्ज करते हैं उनसे इसका आईएफसी का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है थोड़ा सा ज्यादा होता है, लेकिन हाँ मार्केट के जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उससे कम होता है। सो इट प्रोवाइड्स द फाइनेंशियल रिसोर्सेज, टेक्निकल एक्सपर्टीज, ग्लोबल एक्सपीरियंस एंड इनोवेटिव थिंकिंग टू हेल्प देयर क्लाइंट्स एंड पार्टनर्स ओवरकम फाइनेंशियल, ऑपरेशनल एंड अदर चैलेंजेस। तो इस तरह से आईएफसी अपने क्लाइंट्स को मदद करती है। किस तरह से मदद करती है? प्रोवाइड करती है उनको फाइनेंशियल रिसोर्सेज, प्रोवाइड करती है टेक्निकल एक्सपर्टीज चाहिए तो वो देती है, ग्लोबल एक्सपीरियंस अगर किसी को जरूरत पड़ी ग्लोबली एक्सपीरियंस होने की तो वो उसमें भी हेल्प करती है, और इनोवेटिव थिंकिंग में करने में भी मदद करती है, ठीक है। नेक्स्ट इज मीगा, मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी। अब इसके भी नाम से समझ में आ रहा है कि गारंटी प्रोवाइड करती है। तो इट एम्स टू प्रमोट क्रॉस बॉर्डर इन्वेस्टमेंट इन डेवलपिंग कंट्रीज बाय प्रोवाइडिंग गारंटी, पॉलिटिकल रिस्क इंश्योरेंस एंड क्रेडिट इन्हांसमेंट टू इन्वेस्टर्स एंड लेंडर्स। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल इंडिया का कोई इंडस्ट्रियलिस्ट है और उसने मान लीजिए कि साउथ कोरिया में या मान लीजिए जापान में या कहीं भी अपना इंडस्ट्री सेटअप किया, ठीक है। अब किसी भी फॉरेन कंट्री में वो अपने इंडस्ट्री को सेटअप कर रहा है, वो है इंडिया का, और जिस कंट्री में वो अपनी इंडस्ट्री को सेटअप कर रहा है मान लीजिए वहां पे वॉर हो गया, तो वॉर जो हुआ वो क्या है? व्हाट इज इट? इट इज अ पॉलिटिकल रिस्क, ठीक है। अब अगर वो मीगा का जो है मेंबर है तो वो क्या मीगा क्या करेगी? मीगा उसको इंश्योरेंस प्रोवाइड करेगी ताकि उसका रिस्क जो है वो कम हो सके। अब ये रिस्क जो उसको हुआ यानी जो पॉलिटिकल रिस्क हुआ ये नॉन कमर्शियल रिस्क है, ये कमर्शियल रिस्क नहीं है। तो मीगा को ऑब्जेक्टिव होता है टू प्रोटेक्ट द इन्वेस्टमेंट अगेंस्ट नॉन कमर्शियल रिस्क एंड हेल्प द इन्वेस्टर्स टू ऑब्टेन एक्सेस टू फंडिंग सोर्सेज विद इम्प्रूव फाइनेंशियल टर्म्स एंड कंडीशंस। यानी अब ये जो लॉस हुआ उस इंडस्ट्रियलिस्ट को, मीगा विल कवर दैट रिस्क बाय प्रोवाइडिंग दी इंश्योरेंस। ओके एंड द लास्ट इंस्टीट्यूशन ऑफ वर्ल्ड बैंक ग्रुप इज ICSID, दैट इज इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट। अब इसमें भी नाम से समझ में आता है कि इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड अगर कोई भी डिस्प्यूट होता है तो उसके लिए भी तो कोई कोई ऐसा सेंटर होना चाहिए जो सेटलमेंट करा सके। तो उसके लिए ICSID को डेवलप किया गया, ठीक है। ICSID इज एन इंडिपेंडेंट, डीपॉलिटिसाइज एंड इफेक्टिव डिस्प्यूट सेटलमेंट इंस्टीट्यूशन। ये डिस्प्यूट्स को सेटलमेंट करने वाली इंस्टीट्यूशन है। इट्स अवेलेबिलिटी टू इन्वेस्टर्स एंड स्टेट्स हेल्प्स टू प्रमोट इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट बाय प्रोवाइडिंग कॉन्फिडेंस इन द डिस्प्यूट रेजोल्यूशन प्रोसेस। मान लीजिए कोई कंट्री अगर इन्वेस्टमेंट कर रही है तो उसको लगता है कि नहीं फ्यूचर में डिस्प्यूट हो सकता है, तो ऐसे डिस्प्यूट अगर किसी को रहता है कि नहीं डिस्प्यूट होगा तो कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहेगा। बट व्हेन देयर इज ऑलरेडी एन एजेंसी दैट विल हेल्प इन ओवरकमिंग दैट डिस्प्यूट एंड विल हेल्प इन सेटलिंग द डिस्प्यूट, सो ऑब्वियसली द इन्वेस्टर्स वुड बी इंटरेस्टेड इन टू द इन्वेस्टमेंट प्रोसीजर एज वेल। सो दीज आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एजेंसीज ऑफ द वर्ल्ड बैंक। नाउ लेट्स लुक एट द स्ट्रक्चर ऑफ द वर्ल्ड बैंक, ठीक है। जैसा कि हम लोग ने स्ट्रक्चर IMF का पढ़ा था वैसा ही स्ट्रक्चर वर्ल्ड बैंक का भी है। द वर्ल्ड बैंक हैज मेंबरशिप स्ट्रेंथ ऑफ 189 कंट्रीज। ऑल द मेंबर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड बैंक आर द शेयर होल्डर्स। अब देखिए जब शेयर होल्डर्स की बात आती है तो कुछ टॉप के शेयर होल्डर्स होते हैं, और वो टॉप के शेयर होल्डर्स क्या हैं वर्ल्ड बैंक के?
यूएस है, जापान है, चाइना है, जर्मनी है, फ्रांस एंड यूके है। मैंने यहाँ लिखा भी है कि द कंट्रीज सच एज जापान, फ्रांस, जर्मनी, यूएस एंड यूके आर द लार्जेस्ट शेयर होल्डर्स। ओके नाउ, तो जो इनके जो लार्जेस्ट शेयर होल्डर्स हैं, दे जनरली रिप्रेजेंट द बोर्ड ऑफ द गवर्नर्स, और जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स को ये रिप्रेजेंट करते हैं हर कंट्री के शेयर होल्डर्स। गवर्नर्स इन द मेंबर कंट्रीज आर मेनली, और ये गवर्नर्स कौन होते हैं, दे आर मेनली द फाइनेंस मिनिस्टर और द डेवलपमेंट मिनिस्टर। ठीक है, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स इन द वर्ल्ड बैंक ग्रुप एंड IMF मीट वंस इन अ ईयर, दिस वी हैव ऑलरेडी स्टडीड। नेक्स्ट इज द बोर्ड ऑफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स अपनी पावर किसको डेलीगेट करते हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स को। तो द बोर्ड ऑफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स एंड द प्रेसिडेंट ऑफ द वर्ल्ड बैंक हु सर्व एज द चेयरमैन ऑफ द वर्ल्ड बोर्ड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्ट ऑफ जनरल ऑपरेशन ऑफ द बैंक। अब जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, और जो प्रेसिडेंट होते हैं वर्ल्ड बैंक के, जो कि चेयरमैन भी होते हैं बोर्ड के, आर रिस्पॉन्सिबल किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, फॉर द कंडक्ट ऑफ द जनरल ऑपरेशन, बैंक के जो भी जनरल ऑपरेशन है उनको कंडक्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, वर्क को देखने के लिए कि वर्क जो है बैंक का सही तरीके से चल रहा है कि नहीं डेली बेसिस पे, और जो भी पावर्स डेलीगेट किए गए हैं क्या उनको परफॉर्म किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है बाय द बोर्ड ऑफ द गवर्नर्स। ठीक है, नेक्स्ट इज द डायरेक्टर्स मीट ट्वाइस अ वीक इन वॉशिंगटन DC टू अप्रूव न्यू लोन्स एंड रिव्यू बैंक ऑपरेशन एंड पॉलिसी। जो डायरेक्टर्स हैं वर्ल्ड बैंक के, वो 2 बार मिलते हैं, ठीक है, सो एज टू रिव्यू द बैंक ऑपरेशन एंड पॉलिसीज। और जो गवर्नर्स होते हैं वो डेलीगेट करते हैं अपने वर्क को, स्पेसिफिक ड्यूटीज को, टू 24 एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स। ठीक है, सच एज अप्रूवल ऑफ लोन, अगर किसी लोन का अप्रूवल करना है तो ये कौन देखेगा, दीज विल बी लुक्ड आफ्टर बाई दी 24 एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स, एंड ईच डायरेक्टर में रिप्रेजेंट वन कंट्री, और हर डायरेक्टर किसी न किसी कंट्री को या ग्रुप ऑफ कंट्रीज को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट इज द रोल ऑफ द वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक का रोल क्या है, सबसे पहला तो इम्पॉर्टेंट रोल है पॉवर्टी को एलिमिनेट करना, विच इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, एलिमिनेट तो नहीं हो सकती बट हाँ वी कैन ट्राई, तो वो रिड्यूस तो जरूर हो सकती है। तो रोल ऑफ द वर्ल्ड बैंक इज टू एड्रेस फेलियर्स इन इंटरनेशनल मार्केट्स एंड एंड पॉवर्टी। और पॉवर्टी कैसे एंड करेगा, इट ऑफर्स ग्रांट्स, जीरो इंटरेस्ट क्रेडिट एंड लो इंटरेस्ट लोन्स और इन्वेस्टमेंट एज वेल एज एडवाइस एंड ट्रेनिंग। तो वर्ल्ड बैंक जो है ग्रांट्स प्रोवाइड करता है, जीरो इंटरेस्ट क्रेडिट यानी कोई भी इंटरेस्ट नहीं लेता है अगर वो लोन दे रहा है, या फिर लो इंटरेस्ट लोन्स, कुछ ऐसे लोन्स जिसपे बहुत ही कम इंटरेस्ट लेता है, ठीक है, और एडवाइस देता है और ट्रेनिंग देता है। दीज फंड सपोर्ट, और ये जो फंड ये प्रोवाइड करता है, क्यों प्रोवाइड करता है, सो एज टू सपोर्ट अ वाइड रेंज ऑफ इन्वेस्टमेंट अक्रॉस ऑल सेक्टर्स, ताकि इससे इन्वेस्टमेंट्स हो सकें। कौन कौन से सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट हो सके, जैसे एजुकेशन हो गया, एनर्जी हो गया, ट्रेड हो गया, अर्बन डेवलपमेंट एक्सेट्रा। ठीक है, नेक्स्ट रोल इज टू प्रमोट द एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी एंड ग्रीन ग्रोथ। ठीक है, तो वर्ल्ड बैंक का नेक्स्ट रोल है कि उसका जो एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी को बढ़ाना और ग्रीन डेवलपमेंट करना, राइट। नेक्स्ट रोल इज दैट कि जो मिडिल इनकम कंट्रीज हैं जैसे कि थाईलैंड एंड इंडोनेशिया, जिनके यहाँ बहुत पोटेंशियल है ग्रो करने का, बट वहाँ पे वर्ल्ड के 70% से अधिक जो पुअर हैं वो वहाँ पे रहते हैं। तो वर्ल्ड बैंक का ये भी एक एम है टू इन्वेस्ट इन दीज कंट्रीज एंड प्रोवाइड देम विद बेस्ट ग्लोबल एक्सपर्टीज सो दैट दे कैन ग्रो एंड ओवरकम चैलेंजेस। तो वर्ल्ड बैंक का यहाँ पे ये योगदान होना, मतलब उसका ये एक रोल है, इम्पॉर्टेंट रोल है कि ऐसी कंट्रीज जहाँ पे बहुत ज़्यादा पुअर पॉपुलेशन रह रही है और जिनके यहाँ पोटेंशियल है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का, उनको हमें जो है ऐसी कंट्रीज को ग्लोबल एक्सपर्टीज प्रोवाइड करना है ताकि वो ग्रो कर सकें और उनके आगे जो भी चैलेंजेस आए उनको वो फेस कर सकें। थैंक यू सो मच।